इस घर के किचन व्यूअर्स इंतहाई मॉडर्न फिनिशिंग के साथ कंप्लीट किए गए हैं और किचन्स में के आपको ब्लाइंड्स भी इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। और ये आपका फर्स्ट फ्लोर का टेरेस वाला बेडरूम है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इंटीरियर देखने को मिलता है और बिल्कुल व्यूअर्स प्रीमियम क्वालिटी के अंदर इस घर की कंप्लीशन की गई है। इस घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा आला क्लास की मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जिस घर का मैं आपको विज़िट करवाने लगा हूँ, टूर करवाने लगा हूँ, ये 7.25 मरले का एक डबल यूनिट एलिगेंट डिज़ाइनर हाउस है जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। एज़ यूजल घर की लोकेशन बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी है और घर की जो आस्किंग प्राइस है, घर की लोकेशन के लिहाज से, घर के इंटीरियर के लिहाज से बहुत रीज़नेबल है। प्रॉपर 5 बेडरूम्स इसमें आपको मिल जाते हैं और बहुत ही मॉडर्न इंटीरियर के अंदर इस घर को कंप्लीट किया गया है। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। इसी वीडियो में आगे घर की फर्दर आस्किंग प्राइस आपके साथ शेयर करूंगा, फ्लोर प्लान और इस घर का मैप। प्रॉपर डबल यूनिट है ये। इस घर का फ्रंट फेस है 7 मरला के सेक्टर के अंदर, ये 7.25 मरले का घर है। 30/55 7 मरला की डायमेंशन होती है, 30 फ्रंट होती है, लेकिन इस घर का 34.5 आपको फ्रंट मिल जाता है। तो फ्रंट एलिवेशन में बहुत प्यारी आपके पास ग्रिल वर्क है, वेंटिलेशन एरिया है और लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाता है इसका टेरेस एरिया। तो जो मेन गेट है वो भी प्रॉपर मैचिंग में खूबसूरत ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है। सीमेंटेड स्पेस भी घर के बाहर है और जो इसका मेन गेट है ये प्रॉपर स्लाइडेबल है। अब मज़ीद चलते हैं घर के अंदर और आपको जाके इस खूबसूरती का मैं व्यू करवाता हूँ। यहाँ पर आपके पास आता है सबसे पहले इसका एक खूबसूरत कार पोर्च एरिया। फ्लोरिंग पे आपको टाइल वर्क मिलता है जो कि कंप्लीट डल टाइल है। सामने 3 मॉडर्न सी आपको एंट्रेंस मिल जाती हैं। लेफ्ट साइड पे ट्रेवरटाइन मार्बल आपको मिल जाता है 5 शेड स्टार वार्म लाइट के साथ। राइट साइड पे भी है आपके पास और ये साइड स्ट्रीट है बड़े साइज़ की, अंडरग्राउंड टैंक है, पानी का पंप और ये फ्रंट आपकी वेंटिलेशन विंडो, अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। इनसाइड वॉल्स पे भी रॉक वॉल है फ्रंट फेस की तरह। और ये जो भाई हमारे पास एंट्रेंस हैं, इनके आप डोर्स चेक कर लें, खूबसूरत कलर पैटर्न्स के अंदर डोर की डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल के ऊपर मिरर्स भी मिल जाते हैं। तो अब हम मूव कर लेते हैं इस फर्स्ट इस घर के ग्राउंड पोर्शन की तरफ। तो व्यूअर्स, एंटर हो चुके हैं इस मॉडर्न से विला के अंदर और एंटर होते साथ ही घर की आपने फ्रंट एंट्रेंस देख ली होगी। अब ये हमारे पास घर के अंदर से इसकी एंट्रेंस है। डबल एंट्रेंस वाला ड्राइंग रूम है, ये मेन एंट्रेंस डोर है, ये फर्स्ट फ्लोर का डोर है। अब अगर मैं बैक साइड आपको दिखाऊं तो व्यूअर्स, यहाँ से हमारे पास इस घर का बहुत ही मिनिमल सा सुपर क्वालिटी का ग्राउंड पोर्शन शुरू होता है। बिल्कुल फ्रंट पे आपको एक प्यारा सा वेलकमिंग सा किचन मिल जाता है। कम्प्लीटली हैंडल लेस कैबिनेट्स हैं और बड़े मॉडर्न और ख़ूबसूरत तरीके की आपके पास कैबिनेट्स हैं। आपके पास ओवन भी इंस्टॉल्ड है, बेकर भी है, पेनेट्री रैक भी है, डबल डोर है आपके पास बैक साइड लॉन्ड्री के लिए और इस घर में आपको ब्लाइंड्स भी मिल जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कमरे हैं, दोनों की अपनी अलग क्लास है और ये हमारे पास इसका खूबसूरत सा मेन ग्राउंड पोर्शन का टीवी लाउंज है। आस्किंग प्राइस पहले ही शेयर करता हूँ, घर की आस्किंग प्राइस घर के ऑनर की तरफ से है 3,40,00,000 रुपए जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। विजिट्स के लिए, डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन है, सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी है, ड्यूरिंग द वीडियो भी शो हो जाएगा। अब ये आपके पास ड्राइंग एरिया है, फ्रंट पे भी फीचर्ड वॉल है, आपके पास वॉशरूम की एंट्रेंस पे भी है, आपके पास फ्लोर पे जो टाइल है ये जिगजैग वुडन टेक्सचर का टाइल वर्क है। आपको फ्रंट पे एक वार्म लाइट मिल जाती है, राइट साइड पे बड़े साइज़ की विंडो और ये सोलर प्लेट्स हैं, ये इस घर का पार्ट नहीं है, इस घर की डील नहीं है, रिमूवेबल सामान है। तो अगर फॉल सीलिंग आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे बहुत ही स्लीक सा फॉल सीलिंग यूज़ किया गया है मॉडर्न सी वार्म लाइट्स के साथ। ये आपके पास फ्रंट फीचर्ड वॉल है, एक मिरर इंस्टॉल किया गया वॉशरूम की एंट्रेंस पे और राइट साइड पे एक प्रॉपर बड़े साइज़ का आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। तो ये आपका हो गया ड्राइंग रूम, इसको आप बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बड़े साइज़ का एक कंप्लीट वॉशरूम है। अलार्म सिस्टम भी घर के अंदर इंस्टॉल्ड। अच्छा, ये घर के अंदर से जो आप किचन लिविंग सेंटर होते हैं, वुड प्लस ग्लास का डोर है, जो मेन पोर्च से एंट्रेंस है वो एक प्रॉपर आपके पास सॉलिड डोर है।
अब यहाँ ड्राइंग रूम से आप आते हैं तो सामने फाइनेस्ट किस्म के आपके पास शैंडलियर्स हैं, दो आपके पास फैंस हैं, राइट साइड पे आपके पास डबल साइडेड रैक्स वाली एक सारे का सारा मीडिया वॉल जो है ये डेकोर किया गया। इसके एक्सट्रीम राइट पे बेडरूम्स हैं, घर के अंदर गीजर भी इंस्टॉल्ड है। फ्लोरिंग सबसे पहले आप देखें, खूबसूरत टाइल वर्क है मिनिमल से, और डोर्स की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत और सॉलिड डोर्स यहाँ पे यूज़ किए गए। अब इस बेडरूम में आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले इसकी आप क्लास चेक करें, कलर पैटर्न्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मोल्डिंग वर्क है, एसी के पॉइंट्स कनेक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपका ओटीएस है और इतनी स्पेस है, सामने टैप भी है, यहाँ पे भी आप मशीन रख के लॉन्ड्री अपनी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इसका सारा आ जाता है कैबिनेट एरिया, अलमारियाँ वगैरह आ जाती हैं, और ये प्रॉपर आपके पास जो शीट्स हैं ये रफ़ लुक वाली आपके पास शीट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है जो कि प्रॉपर सारे का सारा टाइल्ड है। आपको इसका वैनिटी एरिया नज़र नहीं आ रहा होगा जो कि आपको मिल जाता है बैक द डोर। सामने आपका पोर्टा का वैनिटी आ गया, नीचे एक लोअर स्लैब, सामने बड़े साइज़ का आपको मिरर मिल जाता है। और इसके अगर आप हैंडल्स देखें ये भी बहुत खूबसूरत से हैं। ये आपका हो गया बेडरूम नंबर फर्स्ट। सीलिंग वर्क भी इसमें डबल स्टेप डाउन सीलिंग वर्क है, और ये हो गया बेडरूम फर्स्ट। घर के अंदर भी प्लांटर हैं, इसको आप पोर्च में भी शिफ्ट कर सकते हैं, अंदर एक खूबसूरत आपको व्यू दे रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास बेडरूम सेकंड। अब ये देखें व्यूअर्स, इस रूम की मैंने लाइट्स खुद ही ऑफ छोड़ी हैं, बैक साइड से सनलाइट इतनी ज़्यादा है कि मतलब वेंटिलेशन एरिया इस घर का बहुत खूबसूरत है। ये आपकी बैक साइड वेंटिलेशन विंडो है, आपके पास सामने वो बिल्कुल सामने आपको नज़र है ड्राइंग रूम की विंडो। आप यहाँ से घर का डोर भी अगर ओपन करें तो आपका जो एयर प्रोसेस है वो इस घर में बहुत आला क्वालिटी का होगा। अब लाइट्स ऑन हो चुकी हैं तो अब एक और आप इसका व्यू देख लें। रूम का फीचर्ड वॉल है, मोल्डिंग वर्क आपको मिल जाता है, और सामने ये सारे का सारा वॉल आपको खूबसूरत वार्डरोब्स के साथ कंप्लीट करके दिया गया है। लोअर रैक्स भी हैं, ड्रॉज भी हैं, कैबिनेट्स भी हैं। यहाँ पे हमारे पास है इसका अटैच वॉशरूम सामने। यहाँ पे भी पोर्टा के अंदर आपको वैनिटी मिल जाती है, पोर्टा का ही आपको कंसील यहाँ पे कमोड मिल जाता है, और ये सारा का सारा वॉशरूम आपको टाइल्ड मिल जाता है। फैसल की सैनिटरी भी यहाँ पे यूज़ की गई है, हैंड शॉवर आपको फैसल का मिल जाता है। तो इस रूम की आपकी एक अलग क्लास है, एक अलग साइज़ है एज़ कम्पेयर टू बेडरूम फर्स्ट। इसकी अकोमोडेशन कुछ ज़्यादा है। बैक साइड ये लॉन्ड्री है व्यूअर्स, गीज़र आपको नज़र आ रहा है, गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। लोकेशन बहुत प्राइम है, 3 से 4 मिनट पैदल चल के आप कमर्शियल जो एरिया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और जो आपका फुटबॉल पार्क है उसको आप 2 से 3 मिनट की वॉक पे अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास किचन है, एक बड़ा ही खूबसूरत सा स्लैब वर्क है। यहाँ पे आप कॉफ़ी चेयर्स रखें, यहाँ पे नाश्ता खाना एंजॉय करें। उसके अलावा एक छोटा सा स्टेप डाउन है हमारे पास किचन की एंट्रेंस के लिए। तो किचन में आप एंटर होते हैं, सबसे पहले फ्रंट पे आपको ब्लाइंड्स प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रेनाइट मिल जाता है, ऊपर मिड में आपको मिल जाती हैं वुडन शेप की यहाँ पे कैबिनेट्स, लोअर और जो टॉप की कैबिनेट्स हैं इनका हमारे पास ग्लॉस वाला टचअप दिया गया है, मिड में यहाँ पे भी टाइल वर्क यूज़ किया गया है। अच्छा, डबल एंट्रेंस है, मतलब खाना वगैरह कभी बनाएं तो धुआं शुआं हो जाता है, तो उसके लिए आप ये डोर ओपन करके इसको क्लोज कर सकते हैं, एयर इन आउट यहाँ से भी हो जाएगी और वहाँ से भी। तो यहाँ पे आपका पेनेट्री रैक है, डबल फ्रिज की स्पेस है, ओवन है, बेकर है, और ये हो गया आपका खूबसूरत सा ग्राउंड पोर्शन और इसके सारे फीचर्स। अब हम मूव कर लेते हैं व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो व्यूअर्स ये स्टेयर केस है, यहाँ पे स्टेयर्स पे भी आपके पास मोल्डिंग वर्क है, उनके अंदर वॉलपेपर्स हैं, और ऊपर आते साथ ही आपके पास अगेन आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा एक बहुत ही सुप्रीम किस्म का नेक्स्ट लेवल किचन डिज़ाइन किया गया है। पर्सनली मुझे भी जो कैबिनेट्स हैं इनका जो रफ सा लुक है ये बहुत पसंद है, मतलब एक बहुत आई कैची सा व्यू है। हैंडल लेस सारी की सारी यहाँ पे ये कैबिनेट्स हैं, ग्रैब वाली हैं, और लोअर वार्म लाइट्स भी हैं। यहाँ पे भी आपको ऊपर ब्लाइंड मिल जाता है बड़े साइज़ का, फ्रिज की स्पेस, पेनेट्री रैक इंस्टॉल्ड है, मेन स्विच बोर्ड कवर किया गया है। यहाँ पे आपकी रिमेनिंग स्पेस, यहाँ पे भी आपके पास अगेन वही कोरियन का काउंटर टॉप है। नीचे वाले पोर्शन में आप बाहर स्टूल्स वगैरह रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पुड़ी हैं तो आपने यहाँ अंदर स्टूल्स वगैरह रखने हैं।
उसके बाद एक और अगेन वन स्टेप अप है छोटा सा। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पास बहुत ही मॉडर्न और स्लीक सी इसकी मीडिया वॉल है, बैक साइड जो कवर है सारी वार्म लाइट के साथ, और ये सारा का सारा आपका मीडिया वॉल है। एक शैंडलियर है 5 वार्म लाइट्स वाला, ये आपकी हो जाती है छत की एक्सेस। अब सबसे पहले एक स्पेशल रूम में आपको दिखाऊँगा व्यूअर्स, ये आप चेक करें। एंटर होते साथ ही मेरी आवाज़ भी बिल्कुल चेंज हो गई होगी, क्योंकि इतना स्पेशियस एक बड़े साइज़ का हॉल है। घर का फ्रंट बड़ा होने की वजह से जो रूम साइज़ है बहुत स्पेशियस है। वार्म लाइट्स वॉल पे भी है, खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स हैं, सामने आपको वॉल फीचर्ड मिल जाता है, और फ्लोर पे आपको डिफरेंट कलर का ज़िगज़ैग टोन में आपको टाइल वर्क मिल जाता है। ये सारे का सारा आपका कमरा है। ये स्ट्रीट व्यू वाली वेंटिलेशन विंडो स्लाइड, सामने आपके पास टेरेस का डोर है, सिटिंग टेबल बैठने की जगह भी है, और राइट साइड एक्सट्रीम पे आपको इसका अटैच वॉशरूम मिल जाता है जो कि बहुत बड़े साइज़ का है। यहाँ पे भी पोर्टा का कंसील कमोड है, एक स्लैब है ऊपर वैनिटी, सामने वैनिटी मिरर। तो ये हो गया व्यूअर्स आपका बेडरूम नंबर फर्स्ट अपर पोर्शन का। यहाँ से आप आते हैं तो ये आपका लिविंग हो गया। डिज़ाइनिंग में आपके पास इसकी ग्रिल्स हैं, राइट साइड पे आपका मीडिया सेटअप है। अब सामने जो दो कमरे हैं दोनों ग्राउंड पोर्शन की तरह, टाइल वर्क सेम है। इस रूम में आप एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको फीचर्ड डिफरेंट वॉल पेंट मिल जाता है, बैक साइड भी स्टैंडेबल टेरेस है, ताला लगा हुआ है, यहाँ पे आप खड़े होकर बैक साइड व्यू भी ले सकते हैं, और ये आपका वैसे ओवरऑल सारे का सारा रूम साइज है। व्यूअर्स अगेन रिपीट कर दूँ, घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है, और घर का जो मैप है 5 बेडरूम्स वाला है, घर का इंटीरियर बहुत खूबसूरत तर्ज के अंदर कंप्लीट किया गया है। आस्किंग प्राइस जो है घर के ऑनर की तरफ से वो है 3,40,00,000 रुपए, और ये आस्किंग प्राइस नेगोशिएबल है। घर का जो एक्चुअल साइज़ है वो है 7.5 मरला, 7.75 मरला का ये घर है, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है कैश पे, इंस्टॉलमेंट्स डाउन पेमेंट वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। तो इस घर के विजिट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का घर है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड भी डिटेल्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह AA रियल एस्टेट की तरफ से आपको बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।